करेंगे, हम क्यों करें, नहीं नहीं क्यों नहीं अब तो प्रूफ, पिंग, हम अब तो प्रूफ देखनी क्यों, हम पड़ेगी, प्रूफ क्यों दें आपको। बाय द वे नाइस, तो देखनी। ओए बैड बॉय यार, लड़के नाइस हो गया, खतरनाक ये जी। यो किंग नंबर फोर। ਕਰ ਹੋਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਂਪਰ ਕੈਂਪਰ ਦੀ ਉਲਾਦ ਆ। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है यार, वेलकम बैक हो गया एक और मज़ेदार वीडियो के अंदर। अच्छा यार, इंट्रो शिंट्रो से आप लोग देख लो गए, मैच में आपके भाई के लगातार भाई साहब इज्जत भी इज्जत होने वाली है, मतलब कि भाई साहब आपका भाई कल चला गया लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर, वहाँ भी थोड़ी बहुत इज्जत होगी, थोड़ी बहुत एनिमी ने बेसी शेस्ती भी कर दी, खैर होती रहती है। फिलहाल आपका भाई इवेंट पर आ जाता है, यहाँ पर ना आपका भाई 14 किल्स करने वाला है ओनली इवेंट के अंदर। आप लोगों ने भाई साहब देख लिया होगा, एकम शेकम पे 4x चलाने वाला है आपका भाई, तो आप लोगों को सारा कुछ आगे जाके देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे रेड डॉट से मैं एक बंदे को डाउन करता हूँ, कि एक बंदा ना इसका सामने होता है, जिसका मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा होता है, लेकिन पक्का नहीं होता कि यहाँ पे है या नहीं, लेकिन खैर इस बंदे का एम जो होता है ना बिल्कुल टट्टी होता है, तो आपका भाई जल्दी से यहाँ पे बच जाता है, आपका भाई जल्दी से नीचे पुश कर देता है। मैंने कहा चलो रुके बगैर ठोके बगैर चढ़ाई करनी आए तो बिल्कुल नहीं, आप लोग भाई ने सब्र करना, तो आपका भाई जल्दी से आगे पुश देता रहता, पुश देता रहता। ये भी बंदा ओपन में आता है तो इसको मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। अभी ना आपका भाई सीधा जाकर इन बंदों को फिनिश करवाने वाला है, क्योंकि पीछे से और भी बंदे आ रहे होते हैं, लैंड भी हो रहे होते हैं, तो मतलब कि किल चोरी होने का खतरा होता है। फिलहाल आपके भाई ऊपर से पड़ते हैं, तो आपके भाई नन्हे भाई एक शॉटगन चिपका देता है, उतनी देर में एक और बंदा लैंड हो जाता है, तो इन दोनों से बचते बचाते मैं इस घर में आ जाता हूँ। ये बंदा चेक करो भाई साहब कितना खतरनाक डैमेज देता है, तो मैं एक मोली फेंक देता हूँ यहाँ पर, और ये मोली ना भाई साहब बहुत काम की होती है, मतलब मेरी जान बचा जाती है। फिलहाल थोड़ी बहुत हेल्थ करने के बाद ना आपका भाई नीचे भाग लेता है, HP थोड़ी लो होती है, तो आपका भाई ना जरा करता है काम। मैंने कहा द्वार के पीछे चलते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही बंदे आएगा ना इनको पीका शिका देगा आपको भाई रगड़ जाएगा, तो ऐसे ही मैंने एक बंदे को पीक देकर नोक किया, दूसरे बंदे की जब उसी रिलोड पर जाती है ना मे भी इस बार एमओ खत्म हो जाता है, तो आपका भाई इसको भी यहाँ पे नॉक कर जाता है। अभी इनको मैं यहाँ पे फिनिश भी करवा देता हूँ, इनको जैसे ही फिनिश कराता हूँ यहाँ पे और बंदे भी आ जाते हैं, मतलब कि बंदे पे बंदा चढ़ा होता है इस मैच के अंदर। फिलहाल यहाँ पे आपका भाई को MG3 मिल जाती है, आपका भाई यहाँ पे ना हैवी किस्म वाले उनकी पावर से बंदे मारने वाला है। फिलहाल मैंने एक बंदे को यहाँ पे लॉक कर दिया, अभी ना ये बंदा बार भग लेता, कहता भाई साहब जो इतो इस तो पहले नॉक का हो जाइए, लेकिन बकरी की माँ कब तक अपनी खैर में आएगी, कभी ना कभी तो हमारी MG3 के नीचे आएगी। तो इस बंदे को मैंने जैसे ही नॉक और फिनिश किया ना, इसका एक बंदा मेरे घर में पुश कर जाता है, वो कहता है मेरे दोस्त को कैसे हाथ लगाया, मैंने कहा हाथ तो लगाया नहीं, बस MG3 लगाई है, तो इसलिए बंदा भी ज़रा समझ जाता है। तो मैं जल्दी से ऊपर आके MG3 लोड करता हूँ, ये बंदा का सब्र नहीं होता, दो हेड लगते हैं इस बंदे के, यहाँ पे नोक और फिनिश कर जाता हूँ मैं भी। बंदा इनका बाहर होता है जो कि भाई सब डर जाता है, मतलब जब दो बंदे फिनिश हो जाए ना तीसरा बंदा डर जाता है वैसे ही, तो ये बंदा भी डर जाता है, तो आपका भाई जल्दी से MG3 लोड करता है, बाहर की तरफ मैं जाता हूँ, ये बंदा मुझे ना लूट करता है, स्पोर्ट हो जाता है, इसको मैं यहाँ पे नोक करता हूँ। इतनी देर में ना मैं MG3 लोड करना चाहता हूँ, यार MG3 लोड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आपका भाई जल्दी से लूट शूट करता करता ऊपर आ जाता है। इतनी देर में ना यहाँ पे एक स्पेस शिप आती है, स्पेस शिप यानी कि न्यू वाली गाड़ी, आपको पता ही होगा, तो इस बंदे को यहाँ पे मैं गाड़ी के नीचे उतारने वाला हूँ, इस बंदे की गाड़ी ठुक जाती है और मेरे हाथों से ठुक जाता है, तो इसको यहाँ पे मैं नोक और फिनिश कर देता हूँ। इन दोनों बंदों को यहाँ पे इसको भी फिनिश किया, और दूसरे बंदे बाहर जिसको नोक किया, तो यहाँ पे इसको भी मैं फिनिश करवा जाता हूँ। अभी यहाँ पे हमारे 10 किल हो जाते हैं, और यहाँ पे ना पूरा का पूरा स्क्वाड पुश देने वाला है। मैं MG3 लोड करता हूँ कि एक बंदे का बाहर से साउंड आता है, लेकिन ये चार्जर होते हैं, तो आपका भाई पहले ना मैंने सोचता हूँ एक बंदे को डैमेज देता हूँ, नोक शो कर लेता हूँ, तो इतनी देर में ना इसको मैंने एक दो बुलेट भी नहीं लगती, लेकिन सामने वाला कहता है मुझे नोक कर दो, मैंने इसको नोक किया, इतनी देर में ना एक साइड से बंदा आ जाता है, जल्दी से इसको भी थोड़ा बहुत डैमेज देते हैं। इतनी देर में ना ये बंदा जो इसको मैंने नोक किया, ये ओपन में आता है, तो इसको मैं यहाँ पे फिनिश दे देता हूँ। मैंने कहा भाई साहब जिंदगी मौत का क्या पता, अभी मैं आपको चेक करता हूँ भाई साहब हेडफोन की पावर, यहाँ पे बंदों को मैं फ्री फायर में खा पी जाऊंगा। एक बंदे को यहाँ पे डाउन किया, दूसरा बंदा है इसको यहाँ पे डाउन किया, तीसरा बंदा बाहर से आ रहा है, अभी चेक करना भाई साहब इसको भी फ्री फायर में खा पी जाएंगे। अभी इनकी बातें सुनो, और दे बच्चे कैंपर कैंपर दी उलाद फिनिश।
यार वहाँ पे एक गाड़ी भी आती है जो कि भाई साहब वहाँ से भग जाती है जब मैं बंदों को फिनिश करता हूँ। आपको भाई यहाँ पे आता बंदे ढूंढते ढूंढते, लेकिन यहाँ पे एक ही बंदा मिलता है फिलहाल के लिए, लेकिन इसका दूसरा बंदा भी यहीं भी होता है लेकिन वो थोड़ा पीछे होता है। यहाँ पे मैं आता हूँ सामने, आप लोगों ने चेक किया होगा शायद, आप लोगों को नजर आया यहाँ पे एक बंदा होता है, तो आपको भाई जल्दी से पावर यूज़ करके यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे सामने एक बंदा आता है, मैं भी रुके वगैरह टूके वगैरह चढ़ाई करना चाहता हूँ और वो बंदा जरा ना होल्ड कर रहा होता है, उसके पास ग्रोज आती है, आपके पास पास MG3 होती है, लेकिन मुझे जोर पारना MG3 थोड़ी ज़्यादा पसंद है। वो बात नहीं, अपग्रेड है लेकिन है अपग्रेड वो तो अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन फिर भी आपका भाई ने MG3 चलानी है, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। तो फिलहाल यहाँ पे आपका भाई आता है, इस बंदे ने क्या भगाया भाई साहब, मुझे कितना भगाया कितना भगाया, मैं इसको क्या ही कहूँ। खैर यहाँ पे ना ये बंदा थोड़ा बहुत स्पोर्ट हो जाता है आपका भाई, ना इसको एक दो ब्लड मारता थोड़ा बहुत लो हो जाता है ये बंदा, और इसका ना भाई साहब मैं दिमाग से हैरान हूँ कि ये बंदा करना क्या चाह रहा है भाई। फाइट लेने के बजाय ये बंदा यहाँ से भाग जाता है, जितनी देर में मैंने इस पर पूछ दिया ना ये एक आधी थैली खा पी जाता ना तो ये बच जाता, लेकिन खैर यहाँ पे इसको भी मैंने फिनिश कर दिया, ये एक ही बंदा होता है। अभी लास्ट में बच जाते हैं 2v2 की फाइट, यहाँ पर ना ये दो बंदे जो होते हैं ना भाई साहब, एक बंदा तो बहुत ज़्यादा कैंपिंग कर रहा होता है, दूसरा बंदा ज़रा होल्ड कर रहा होता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे स्मोक करके ऊपर पुश दे देता हूँ, इसी बंदे को भी समझ नहीं आती कहाँ पे हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आती ये बंदा है कहाँ पे। तो आपको भाई ना पता किसी तरीके से इस बंदे को यहाँ पे नोक कर देता है, इसने अपने आप पे नेड कर ले, तो मैं जल्दी से जंप कर जाता हूँ नीचे। इसका लास्ट बंदा यहाँ पे होता है, तो आपका भाई रुके वगैरह ठुके वगैरह सीधा चढ़ाई कर जाता है इस बंदे के ऊपर। मैंने कहा MG3 रिलोड करता हूँ, लेकिन ये बंदा पास ही खड़ा होता है, तो मैं यहाँ पे इसको इजीली खा पी जाता हूँ। यहाँ पे विनर विनर चिकन डिनर भी आपके भाई का हो जाता है। तो अभी स्क्वाड वाइज की तरफ फिलहाल आपका भाई ना यहाँ पे आता है, आपको बताया था AKM+4X जो कि बहुत ही तबाही गन है। फिलहाल यहाँ पे मैं ना एक बंदे को नोक करता हूँ, ये ओपन में होता है, इसको मैंने नोक करके ना लगे आज मैंने इसको फिनिश भी करना था, लेकिन ये होता नहीं है, तो मैंने इसके टीममेट को यहाँ पे नोक करने का फैसला किया। यहाँ पे ये दोनों नोक होते हैं, एक को मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ, HP बहुत ज़्यादा लो थी तो आपका मैंने जल्दी से यहाँ पे किट मार ली। इतनी देर में इनका चौथा बंदा भी मुझे थोड़ा बहुत स्प्रे देता है, तो आपका भाई यहाँ पे लेट के इसको भी AKM का स्प्रे देता है और ये स्क्वाड यहाँ पे डेड हो जाता है। तो अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि पाकिस्तानी अपनी इज्जत कैसे रखते हैं। अब पाकिस्तानियों ने बेइज्जती करा दी कसम से इन अरबियों के सामने, मेरी मुझे बड़ी बड़ी शर्मिंदगी हुई। फिलहाल आपको भाई यहाँ पे जल्दी से उतर जाता है, या मैंने चार बंदे उतरते हैं और आपका भाई ना इनको गन के बगैर ही पेलने वाला है, जो कि भाई साहब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इनको पेलने के बाद। फिलहाल यहाँ पे मैंने दो बंदों को डाउन कर दिया, तीसरा बंदा इस घर के अंदर होता है जिसके पास भी गन होती है, लेकिन इसको ज़रा मौका ही नहीं देता मैं। मेरे ख्याल में तो यहाँ पे तीन होते हैं, मैं यहाँ पे ना इन तीनों को फिनिश करवा देता हूँ, लेकिन अचानक मुझे साउंड आता है कोई बंदा ऐसे हिला है, तो आपको भाई जल्दी से बाहर जाता है और इसको भी यहाँ पे चौथे बंदे को भी पकड़ लेता है। पहले तो मैं शुगर मिला लगाना चाह रहा था, लेकिन ये मेरे हाथों में ज़ाया हो जाता है। अभी अभी सीन चेक करना, मैं ज़रा यहाँ पे ना निकाल लेने के लिए जा रहा था कि ये बंदा यहाँ पे कैंपिंग करके घर के अंदर खड़ा होता है, और मेरे टीममेट बार बार कह रहे थे पाकिस्तानी कंबूरा कंबूरा। तो फिलहाल आपका भाई जो है ना टीममेट को बचाने के चक्कर में ना, मैंने कहा टीममेट को बचाते हैं थोड़ी बहुत इज्जत ही बच जाएगी यार, जो बेइज्जती करवा दिया है पहन दी सीधी पाकिस्तानियों ने। फिलहाल यहाँ पे मैंने एक बंदे को डाउन किया, दूसरा बंदा सामने से आ रहा है, इसको भी यहाँ पे इजीली पीक शिक देकर डाउन कर देता हूँ मैं। इनका तीसरा बंदा सामने से आ रहा है, तो जल्दी से अपनी हेल्थ हेल्थ पूरी करके इस बंदे को भी पूछ देते हैं। तो वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब कि जल्दी से आपके भाई ने वार टाइम पूरा करना है, माउंट स्टार्ट करनी है, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो ठीक है। इन सब यहाँ बंदों के मैं फिनिश करवा देता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी कर देना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।